सरकार के आदेश कि आज से जो है 6 बजे के बाद जो है अपनी दुकानें बंद रहेंगी, उसके आदेश को पालन कराने के लिए जो है प्रशासन भी कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रहा है। खुद गोहाना के तहसीलदार यहाँ जायजा लेने पहुंचे रोशन लाल जी, इनसे पूछते हैं कि किस तरह के आदेश जारी किए हैं, क्या क्या मिला है सर, एक बार बताएं। एक बार जैसा कि आज सरकार के आदेश हुए हैं 6 बजे मार्केट बंद करने के, लोगों ने उसी संदर्भ में मार्केट बंद कर लिया है। कुछ एक इक्का दुक्का जो लोग रह गए उनको हिदायत दे दी गई और उन्होंने 6 बजे के बाद अपनी दुकानें बंद कर ली हैं। कुछ जो दुकानदार हैं वो असमंजस में हैं कि किस टाइम तक उनको आदेश दिए गए हैं, कुछ शराब के ठेके हैं वो खुले हुए हैं, कुछ लोग जो दूध वाले हैं या कुछ और सामान बेचते हैं उनका कहना है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है, इस तरह का क्या मामला है? अच्छा, सरकार की हिदायत के अनुसार कुछ होम डिलीवरी उसमें कर सकते हैं, दूध है जिसमें दूध वगैरह हलवाई की दुकानें हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कायम करते हुए वो कर सकते हैं। और सरकार की जिस तरह अनुपालना हिदायतें जारी हुई हैं उसके संदर्भ में पूरी पालना करवाई जाएगी। सर, जो आदेश नहीं मानते हैं आपकी क्या कार्रवाई की जा रही है? उसकी डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत उसके खिलाफ जो भी धारा बनेगी उसके कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय गोहाना के छोटराम चौक पे मौजूद हैं, जहां पर पुलिस अधिकारी और कुछ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं गोहाना के जो नायब तहसीलदार हैं वो यहां मौजूद हैं, उनका खुद जायजा लिया है। जो गोहाना में दुकानें खुली हुई है उनको बाकायदा बंद करा दिया गया है, और जो रूल को नहीं मान रहा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यहाँ की जा रही है। और नायब तहसीलदार भी यहाँ मौजूद हैं, खुद चौकी इंचार्ज भी यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या आदेश है, क्या क्या कहना बताएं एक बार? सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमने सभी दुकानदार भाइयों से अपील भी की है और उन्होंने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, पहले मैं एक सबसे पहले दिखाऊंगा कि देखिए चालान किया जा रहा है यहाँ पर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, अगर यहाँ कानून तोड़ा जा रहा था वहाँ पर जो है देखिए किस तरह से जो है नाकेबंदी करके यहाँ चालानिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि देखिए जो इस समय जो सरकार की गाइडलाइन के बाद जो आवारा घूम रहे हैं या आप ये कहें कि बेवजह अपने घरों से बाहर घूम रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यहां करते हुए प्रशासन कहीं ना कहीं सख्त नज़र आ रहा है। यहां भी देखिए कि किस तरीके से जो है लगातार सख्त प्रशासन नज़र आ रहा है। खुद गोहाना के जो सिटी SHO हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, उनसे जानते हैं सर क्या गाइडलाइन है, क्या आदेश, यहाँ किस तरह के पालन करवाए जा रहे हैं, बताएं। सभी की जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको बंद कर दिए गए हैं, तो सरकार ने जो गाइडलाइन दे रखी है उनको फॉलो करा रहे हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज है वो अभी ओपन है। सर, जिस तरह से कुछ जो दुकानदार नहीं मान रहा है या उनको पता नहीं है उनको खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, सभी को आराम से प्यार से समझाया जा रहा है और सभी उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए गोहाना के CTSHO भी यहाँ पहुँचे हैं, सबको पालन कराने की यहाँ बात की जा रही है। उनका कहना है कि जो यहाँ नहीं मान रहा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पूरी पुलिस फोर्स और गोहाना के अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि जो सरकार की गाइडलाइन है उनके खिलाफ उनके हिसाब से जो है यहाँ कार्रवाई की जा रही है। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।